हेलो एवरीवन, आई एम सुधीर शर्मा एंड टुडे आई टीच यू क्लास नाइन्थ कंप्यूटर चैप्टर वन बेसिक ऑफ कंप्यूटर इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन व्हाट इज़ अ कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर लिमिटेशन ऑफ अ कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑफ अ कंप्यूटर जिसमें हमने एक एक पॉइंट को देखा था अभी हम हमारा टॉपिक रहेगा डिज़ाइन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम है गुड कंप्यूटर है तो उसका स्ट्रक्चर उसका डिज़ाइन कैसे होता है तो हमें पहले से पता है कि कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल मशीन है कंप्यूटर ये प्रोग्रामेबल मशीन दैट रिस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है एक इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करता है और इस इंस्ट्रक्शन को हम प्रोग्राम करते हैं जो भी एग्जीक्यूट करता है लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम प्रोग्राम को हमेशा एग्जीक्यूट करता है नेक्स्ट व्हाट इज द हार्डवेयर Which part, physical part of the computer system we can touch, see, and feel is called computer hardware. Then, soft, what is the software? Software is the part of a computer system, logical part of the computer system, which we cannot touch, see, and feel. It is a computer program. It is a computer program. Then, I, P, o, IPO cycle, input, process, output cycle. इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिट्स हमारे डेली लाइफ में भी यही प्रोसेस होता है इनपुट होता है कोई चीज़ आता है उसको हम कंप्लीट करते हैं देन आउटपुट आता है इसी तरीके से कंप्यूटर में भी जब तक हम इसको इंस्ट्रक्शन इनपुट नहीं देंगे प्रोसेस नहीं करेगा तब तक ये आउटपुट नहीं देगा जैसे अगर हम बात करें एक कप टी बनाने का चाय बनाने का तो उसमें हम क्या क्या प्रोसेस करते हैं कि तो हमको क्या क्या इन, डाटा चाहिए टी लीफ चाहिए शुगर चाहिए मिल्क चाहिए वाटर चाहिए ये हम किसी पॉट को लेंगे उसमें इनपुट करेंगे उसमें हम इनपुट करेंगे देन उसको बॉयल करेंगे बॉयल होने का प्रोसेस होता है कि प्रोसेसिंग बॉयल होने का प्रोसेस प्रोसेसिंग होता है सब कुछ एक में मिल जाएगा बॉयल हो जाएगा देन जो भी आउटपुट हमें मिलेगा हम कप में उसको निकालेंगे केतली में निकालेंगे तो वो जो पॉट हम यूज़ कर रहे हैं जिसको हम कप में ले रहे हैं तो कप हमारा आउटपुट डिवाइस हो जाएगा एंड टी एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जाएगा वो टी हो जाएगा वो बॉयल वाटर मिल्क शुगर ये सब हम इसे नहीं कहते हैं एक कप टी बोलेंगे टी आउटपुट आ गया हमारा दूसरा अगर एग्जाम्पल देखें तो रीड एंड ई अगर हम किसी मेल को रीड करते हैं या मेल हमको सेंड करना है किसी को तो सबसे पहले हम अपने जी अकाउंट या कोई भी अकाउंट में लॉगिन करते हैं फेसबुक की हमको शेयर करना है तो सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं देन उसमें जो भी मेल सेंड रिसीव आया है तो उसको सिंक्रोनाइज करते हैं लोडिंग लेता है प्रोसेस हो रहा है अगला जब वह मेल को हम रीड कर रहे होते हैं मैसेज को हम पढ़ रहे होते हैं तो आउटपुट आ गया हमारे सामने आउटपुट आ गया है नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम बात करें कि किसी मे के कॉल अगर किसी पर्सन को हम कॉल कर रहे हैं तो अगर नंबर डायल कर रहे हैं नंबर डायल कर रहे हैं तो इनपुट कर रहे हैं नंबर उसका इनपुट कर रहे हैं देन अगर वह रिंगिंग जा रही है रिंगिंग हो रहा है तो प्रोसेस में आया देन कम्युनिकेट हो गया अगर फोन रिसीव हो गया कॉल रिसीव हो गया तो हम क्या करते हैं आउटपुट हमको सेंड रिसीव होने लगता है ये प्रोसेस नेक्स्ट है कि कंप्यूटर फाइव पॉइंट्स पे वर्क करता है आई पी ओ साइकिल फाइव पॉइंट्स इनपुटिंग स्टोरिंग प्रोसेसिंग आउटपुटिंग एंड कंट्रोलिंग इनपुटिंग क्या होता है कि जब भी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो इंस्ट्रक्शन देने के प्रोसेस को हम इनपुटिंग करते हैं प्रोसेस ऑफ इंटरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर सिस्टम डाटा या इंस्ट्रक्शन देने के प्रोसेस को इन in इनपुटिंग बोलते हैं नेक्स्ट स्टोरिंग कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर करने का सेव करने के प्रोसेस को स्टोरिंग बोलते हैं प्रोसेसिंग अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने की प्रक्रिया को प्रोसेसिंग करते हैं जैसे वाटर मिल्क बॉयल करने की प्रोसेस को हम क्या करते हैं प्रोसेसिंग करते हैं इसी तरह से उसमें लॉजिक ऑपरेशन जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है उसे हम प्रोसेसिंग बोलते हैं आउटपुटिंग जब हमें एक प्रोसेस होने के बाद एक मीनिंगफुल आउटपुट हमको मिल जाता है तो उसे हम आउटपुटिंग बोलते हैं इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन और रिजल्ट फॉर अ यूजर सच विजुअल डिस्प्ले और प्रिंटर किसी भी आउटपुट डिवाइस के थ्रू हमको क्या पता है कि आउटपुट मिल जाता है नेक्स्ट होता है कि जब प्रोसेसिंग होता है उसी टाइम में एक कंट्रोल यूनिट के थ्रू डाटा की कंट्रोलिंग होती है डायरेक्टली तो उससे हम बोलते हैं कि डाटा की कंट्रोलिंग बिना कंट्रोल किए जैसे ट्रैफिक पुलिस का काम करता है कि सिग्नल हम अगर ट्रांसमिट कर रहे हैं सिग्नल भेज रहे हैं तो यह डाटा को सीक्वेंस में ट्रांसमिट करता है ओके okay? नेक्स्ट है कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम ब्लॉक डायग्राम, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम का बेसिक डायग्राम क्या होता है तो जो हमने पढ़ा है वही चीज़ ये है, है तो देखिए यहाँ से हम सबसे पहले तो इनपुट डाटा का इनपुटिंग करते हैं ये जो एरो है ये डाटा फ्लो बता रहा है फ्लो ऑफ डाटा यहाँ से हमारा इनपुट डिवाइस है जैसे कीबोर्ड, माउस जॉयस्टिक, किसी भी टाइप का की इनपुट यूनिट हम यूज़ कर रहे हैं देन ये जाता है डायरेक्टली हमारे मेमोरी में मेमोरी में जाता है मेमोरी में जाने के बाद से यहाँ पे डाटा का फ्लो होता है डाटा का फ्लो कहाँ होता है सीपीयू के पास होता है सीपीयू डायरेक्ट मेमोरी कहाँ सेंड कर दिया सीपीयू के पास सेंड कर देता है ऐसे अब सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के टू पार्ट्स होते हैं कंट्रोल यूनिट सी यू एंड ए एल यू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यहाँ पे डाटा की कंट्रोलिंग होती है अभी हमने कंट्रोलिंग पढ़ा वही डाटा की यहाँ पे कंट्रोलिंग होती है यहाँ पे किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है देन पूरा सर्किट में यह डाटा क्या परफॉर्मेंस ऑपरेशंस होता है देन तुरंत ये क्या किया जाता है इधर से रिटर्न कर दिया जाता है मेमोरी के पास रिटर्न होता है देन ये प्रोसेस होने के बाद ये मेमोरी में आने के बाद यहाँ डायरेक्ट मेमोरी से आउटपुट डिवाइस के साइड में ट्रांसमिट कर दिया जाता है रिफर कर दिया जाता है जैसे आउटपुट डिवाइस की प्रिंटर मॉनिटर, प्रोजेक्टर जो भी स्पीकर जो भी आउटपुट डिवाइस हम यूज कर रहे हैं अब यहाँ हमको डिस्प्ले हो जाता है एक मीनिंगफुल होता है रिजल्ट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को मिल जाता है नेक्स्ट अब इनपुट इनपुट यूनिट आउटपुट यूनिट क्या होता है तो इनपुट यूनिट एनी इन्फॉर्मेशन और डाटा गिवन टू या कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड इनपुट आई यूजिंग दिस डिवाइस इज़ कॉल्ड इनपुट डिवाइस लाइक की बोर्ड माउस जॉय स्टिक एम आई सी आर ओ एम आर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर बार कोड रीडर स्कैनर ये सब इनपुट डिवाइस है इसके थ्रू तो हम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देते हैं नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस एनी इंफॉर्मेशन और डाटा सेंड आउट एज अ रिजल्ट

किसी भी हम डाटा को या इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के बाद प्रोसेस होने के बाद उसको सेव करने की प्रोसेस को स्टोरेज बोलते हैं हर एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए स्टोरेज डिवाइस होनी चाहिए स्टोरेज यूनिट होनी चाहिए यह स्टोरेज यूनिट दो टाइप के होते हैं प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज यूनिट को मेमोरी भी बोलते हैं मेमोरी मेमोरी इज द डिवाइस वेयर यू कैन स्टोर योर डाटा और परमानेंटली आप यहां पर अपना डाटा टेम्पररी और परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं नेक्स्ट है ये प्राइमरी मेमोरी टू टाइप के स्टोरेज यूनिट होते हैं प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी और टेम्प्रोरी मेमोरी यह मेन मेमोरी या टेम्प्रोरी मेमोरी होता है यह डायरेक्टली सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से कनेक्टेड होता है इसी को ये प्राइमरी मेमोरी डायरेक्ट रिस्पॉन्स किसको करता है सीपी यू को अब प्राइमरी मेमोरी टू टाइप्स के होते हैं रैम एंड रोम रैम एंड रोम रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी रीड ओनली मेमोरी दो टाइप के होते हैं इसमें केवल डाटा को रीड किया जाता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी और रोम नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी इधर परमानेंट मेमोरी और बैकअप मेमोरी इस टाइप के मेमोरी को हम परमानेंट मेमोरी बोलते हैं या बैकअप मेमोरी भी बोलते हैं हियर डाटा स्टोर परमानेंटली यहाँ पे आप अपने डाटा को परमानेंटली हमेशा के लिए स्टोर कर सकते हैं जब तक के लिए आप चाहें जैसे एग्जांपल आप सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क ड्राइव फ्लॉपी डिस्क ड्राइव सी डी रोम पेन ड्राइव जितने भी आप ड्राइव जानते हैं जिसमें परमानेंटली डाटा स्टोर होता है चाहे वो इंटरनल टाइप हो या एक्सटर्नल टाइप हो वहाँ पे आप डाटा स्टोर कर सकते हैं वो सब सेकेंडरी मेमोरी के अंडर में आते हैं नेक्स्ट कंट्रोल यूनिट कंट्रोल यूनिट द सी पी यू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सी पी यू सी पी यू इज़ द कोर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम वेयर ऑल प्रोसेसिंग इज डन सी पी यू में ही सब प्रोसेसिंग डन किए जाते हैं कंप्लीट किए जाते हैं सी पी यू इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सी पी यू को कंप्यूटर का ब्रेन भी बोला जाता है जैसे ह्यूमन के अंदर ह्यूमन के अंदर जो ब्रेन होता है वही टास्क कंप्लीट करता है सब कुछ इस तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी जो सी पी यू होता है उसका ब्रेन होता है यहीं से पूरे टास्क को कंप्लीट किया जाता है ये परफॉर्म क्या करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस सी के टू पार्ट्स होते हैं सी पी टू पार्ट्स के होते हैं सी यू एंड एल यू यहाँ पे डाटा कंट्रोलिंग होती है यहाँ पे सभी टाइप के अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं नेक्स्ट है हमारा कि कंट्रोल यूनिट सी यू सी यू जस्ट लाइक अ ट्रैफिक पुलिस जैसे ट्रैफिक पुलिस क्या करता है ट्रैफिक जाम नहीं होने देता है और सिग्नल डायरेक्टली एक सीक्वेंस में फ्लो होते जाता है उसी तरीके से कंप्यूटर में भी ये सी पी यू सी यू वर्क करता है जिसमें डाटा को क्या करता है परफॉर्म करता है कंट्रोल करके ई एल यू तक भेजता है देन एम यू तक मेमोरी यूनिट तक भेजा जाता है नेक्स्ट है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग ऑल अर्थमेटिक कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन किसी भी टाइप का अर्थमेटिक हो जैसे प्लस माइनस सब्सट्रक्शन मल्टीप्लाई या फिर लॉजिकल ऑपरेशन टू फॉल्स या रिलेशनल ऑपरेशन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल ये सब परफॉर्म करता है कंपरिजनल ऑपरेटर्स किसी भी टाइप का अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन को या परफॉर्म करता है नेक्स्ट वी ओ आई पी की तरफ हम पढ़ेंगे ओवर व्यूआ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ओवर व्यूआनिकॉइंट ओवर व्यू ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हमको आगे पढ़ना है हमारे चैप्टर में है बेसिक थोड़ा सा इसमें बताया गया है कम्युनिकेशन so, होता क्या है कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन लाइक ईमेल किस टाइप का हम मैसेज uh, को सेंड रिसीव करते हैं ईमेल सेंड कर सकते हैं किसी को मैसेज कर, कर सकते हैं पिक्चर सेंड करते हैं वीडियो सेंड कर सकते हैं सेंडिंग मैसेज पिक्चर वीडियोज डॉक्यूमेंट एनी कहीं पे भी आप सेंड कर सकते हैं यूजिंग लैपटॉप डेस्कटॉप टैबलेट और स्मार्टफोन का यूज करके हम सेंड कर सकते हैं इसके इसमें हम किसी को भी मैसेज कर सकते हैं जैसे नेक्स्ट ई मेल वाट इज द ई मेल ई मेल इज द सिस्टम दैट अलाउ मैसेज टू बी सेंड एंड रिसीव बाई कंप्यूटर यूजिंग इंटरनेट इंटरनेट का यूज करके हम किसी को भी मैसेज सेंड रिसीव कर सकते कर सकते हैं जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल भी बोलते हैं ये टेस्ट बेस होता है इसमें डॉक्यूमेंट अटैच करके भी हम सेंड कर सकते हैं अगला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कम्युनिकेशन के अंदर आता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज द सिस्टम दैट अलाउ फेस टू फेस कन्वर्जन विथ डिफरेंट पीपुल हु आर सीटिंग एट डिफरेंट लोकेशन हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फ़ेस टू फेस कन्वर्जन करते हैं जो पीपुल हमसे बहुत दूर डिफरेंट लोकेशन पे बैठे होते हैं रहते हैं उनसे हम फेस टू फेस कॉलिंग करते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वेव कैमरा कैमरा माइक्रोफोन स्पीकर वीडियो कैमरा माइक्रोफोन ये सब मॉनिटर, हाई स्पीड नेटवर्क ये सब होना चाहिए जिससे हम एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कुछ एडवांटेज भी होते हैं कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं तो एडवांटेज में नो टाइम वेस्ट इन ट्रेवल ट्रेवल में हमारा टाइम वेस्ट नहीं करता है जैसे हमको किसी से मीटिंग करना है जैसे गोला यहाँ पे मुंबई डेली कोलकाता कहीं पे हमको जाके अगर मीटिंग करना है तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर लेते हैं और हमारा टाइम बच जाता है ट्रेवल टाइम बच जाता है नो ट्रेवल कास्ट जब हम जाते ही नहीं है तो ट्रेवल कास्ट आते नहीं है हो जाता है साथ ही साथ इसका डिसएडवांटेज भी है लेस पर्सनल देन फेस टू फेस कन्वर्जन एंड नीड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्सन इसमें हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्सन की रिक्वायरमेंट होती है जिस अगर हाई स्पीड नहीं होती है तो हमारा वॉइस ब्रेक होगा या फिर फेस टू फेस हम जो कॉलिंग कर रहे हैं वो कन्वर्जन नहीं हो पाएगा अगला डिसडवाटेज है कि बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ हार्डवेयर कंप्यूटर में जो बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं वीडियो कॉलिंग के लिए वो बेसिक रिक्वायरमेंट होने चाहिए नेक्स्ट स्मार्टफोन आज के डेट में स्मार्टफोन के बारे में बताने नहीं है कि स्मार्टफोन क्या होता है स्मार्टफोन एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू एक ही डिवाइस में हम मल्टीपल टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं जैसे मेक एंड रिसीव टेलीफोन कॉल नेक्स्ट सेंड एंड रिसीव मैसेज एस एम एस शॉर्ट मैसेज सर्विस और ई मेल सेंड एंड रिसीव फाइल सचेज ई मेज टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑडियो वीडियो फाइल्स एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट को ही भी हम एडिट कर सकते हैं जैसे फोटो एडिटिंग डॉक्यूमेंट एडिटिंग टेक्स्ट एडिटिंग ये सब कर सकते हैं नेक्स्ट वी ओ आई पी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स इंटरनेट टेलीफोनी जैसे हम इंटरनेट का यूज़ करके कॉल करते हैं ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल सेम वही प्रोसेस है किसी एप्लीकेशन का यूज़ करके इंटरनेट के थ्रू हम जब कॉल करते हैं तो उसे हम बोलते हैं वी ओ आई पी वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल वी ओ आई पी सिस्टम सेंड वॉयस थ्रू द इंटरनेट क्या वो सेंड करता है कि वॉयस को ये सेंड करता है पूरा क्या क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है कि नोट टेलीफोन लाइन रिक्वायर्ड टेलीफोन लाइन रिक्वायर्ड नहीं होता है कॉल कॉस्ट और वेरी लो जो भी कॉल कॉस्ट होता है बहुत ही कम होता है एमबी में कटता है के बी एम बी नेक्स्ट कैन इंक्लूड वॉयस इसमें आप वीडियो कॉलिंग कौ, ही नहीं आप इसमें वॉयस कॉलिंग भी कर सकते हैं इसके साथ साथ इसमें डिसएडवांटेज हैं कि जैसे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पढ़े थे कि बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ हार्डवेयर इंटरनेट कनेक्स हाई स्पीड ऑफ इंटरनेट कनेक्शन उसमें भी इसमें भी वही होता है रिक्वायर्ड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन एंड इन स्पेशल हार्डवेयर नॉट वेरी मच रिलाईवेयर यह बहुत ज़्यादा रिलाईबल नहीं है मतलब आप इसमें आपका वॉयस ब्रेक होता है फेस टू फेस कॉलिंग जब करते हैं तो फेस जब कॉलिजन होता है डाटा सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होता तो ब्रेक हो जाएगा नेक्स्ट कॉल क्वालिटी डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द इंटरनेट कनेक्शन आपकी जो कॉल की क्वालिटी है इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है कि ये इंटरनेट की स्पीड अगर फास्ट है तो कॉल ब्रेक नहीं होगा अगर स्पीड वीक है तो हमारा वॉयस ब्रेक हो के आएगा सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम सेटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज होता है कि द सेटेलट सिस्टम आर यूज टू ट्रांसमिट टेलीविज़न टेलीफोन और इंटरनेट डाटा अराउंड द ग्लोब अर्थ पे धरती पे सैटेलाइट का यूज करते हैं अपना सिग्नल सेंड एंड रिसीव करने के प्रोसेस के लिए जैसे अर्थ स्टेशन से अर्थ स्टेशन से ये हमारा अर्थ स्टेशन है ये दूसरे साइड में अर्थ स्टेशन है ये स्पेस में हमारा सैटेलाइट सिस्टम है तीनों एक एक को समझते हैं अपलिंक वेन डाटा ट्रांसमिट अर्थ स्टेशन टू सेटेलाइट अर्थ स्टेशन टू सेटेलाइट इज कॉल्ड अपलिंक और अपलोड अपलोड भी बोल सकते हैं या फिर अपलिंक जब आपका मैसेज को भेजते हो कि अपने कंप्यूटर से किसी दूसरे सर्वर के पास सेटेलाइट के पास तो उसे अपलिंक बोलते हैं जब दूसरे साइड में आप ही का डाटा रिसीव किया जाता है तो उसे डाउन लिंक बोलते हैं वैन डाटा ट्रांसमिट सेटेलाइट टू अर्थ स्टेशन सिस्टम देन कॉल डाउन लिंक ओके अर्थ स्टेशन टू द दैन डाटा ट्रांसमिट अर्थ स्टेशन टू सेटेलाइट देन कॉल्ड अपलिंक वैन डाटा सेंड और ट्रांसमिट सेटेलाइट टू अर्थ स्टेशन देन कॉल डाउन लिंक ओके okay. हम यही कह सकते हैं कि सेटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज हम करते हैं डाटा को सेंड रिसीव करने के लिए जैसे टेलीफोन एफ एम रडार लॉन्च करने के लिए या इंटरनेट का यूज़ करने के लिए पूरे अर्थ पे एक पार अर्थ के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे हम डाटा को जब ट्रांसमीट करते हैं तो प्लेनेट पे तो उस प्रोसेस को सेटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम बोलते हैं नेक्स्ट आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया यहाँ तक यह एट द क्लेंस अभी तक हमने जो जो चीज़ें यहाँ इसमें पढ़ा है उसमें समरी दिया गया है इसमें की टर्म्स फुल फॉर्म दिए गए हैं सॉल्व क्वेश्चन भी दिए गए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसके आंसर भी दिए गए हैं यहाँ नीचे देखिए ये थ्री पॉइंट्स के थ्री आंसर दिए गए हैं फिल इन द ब्लैंक इसमें भी आंसर दिए गए हैं आंसर द फॉलोइंग इसमें सॉल्व क्वेश्चन हैं पूरे जितने भी दिए गए हैं सबके आंसर भी दिए गए हैं लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इसमें नेम द फंक्शनल यूनिट ऑफ का कंप्यूटर सिस्टम फाइव फंक्शनल यूनिट हमने बताया था आपको ये सब दिए गए हैं ई मेल एंड थिंक एंड आंसर थिंक एंड आंसर में ये सब दिया गया है जिसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस खुद को खुद से करना है इसमें इसमें फर्स्ट है आउट ऑफ दिस विच वन ऑफ द टेम्परोरी मेमोरी जो नीचे दिए गए हैं इसमें से टेम्प्रोरी मेमोरी कौन सा है तो ये रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी मेमोरी इज सेकेंड है कि मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा परमानेंटली सेकेंडरी हमको पता है कि सेकेंडरी परमानेंटली स्टोर करता है थर्ड इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ई मेल Next system send wires through the internet. VoIP, yeah, VoIP, wires over internet protocols. What is your hardware? Which part of the computer system which uh, we can uh, touch, see, and feel is called computer hardware? Name any two secondary storage device. Name any two secondary storage device: hard disk, floppy disk, CD, DVD, pen drive, all of these secondary storage device. Next, what is AL? What is the use of ALU? ALU stands for Arithmetic Logic Unit. It perform all kind of arithmetic and logic operations. Next, name the five basic operations of the computer system. The five basic operations of the computer system, uh, mathematical operations, computational operations, logical operations, conditional operations. स्टेटिकल ऑपरेशंस ये थर्ड शॉर्ट एंसर टाइप क्वेश्चन वेन यू से वेन यू से कंप्यूटर वर्क डिलीजेंटली वट वट डू यू मीन बाई तो इसमें बताएंगे कि कंप्यूटर इज अ मशीन सो इट डज नॉट गेट राय नॉट डज नॉट सफर फ्रॉम बॉड एम सो इट इज वी कॉल कंप्यूटर वर्क डिलीजेंसली नेक्स्ट सेकंड ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम अभी हमने बताया कि ब्लॉक डायग्राम इनपुट देते हैं इसमें आगे आया था इनपुट प्रोसेस एमयू सीयू एंड आउटपुट ये वाला ब्लॉक डायग्राम आप बना लेंगे नेक्स्ट है कंपेयर प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी compare primary memory and secondary memory though primary memory is the main memory of the computer system it is also known as temporary memory here data not store permanently two type of primary memory ram and rom and secondary memory it is the backup memory or permanent memory here store large amount of data permanently example of uh, सेकेंड्री मेमोरी सी डी डी बी डी ड्राइव फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हार्ड डिस्क ड्राइव पेन ड्राइव ये सब नेक्स्ट एक्सप्लेन सेटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम सेटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम और द सेटेलाइट सिस्टम इज यूज टू ट्रांसमिट डाटा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लेनेट टू अनदर द सेटेलाइट सिस्टम आर यूज टू ट्रांसमिट टेलीफोन लाइन टेलीविजन एंड इंटरनेट डाटा अराउंड द ग्लोब ट्रांसमिशन सिस्टम फ्रॉम द अर्थ स्टेशन टू द सेटेलाइट इज कॉल्ड अपलिंक एंड ट्रांसमिशन सिस्टम फ्रॉम सेटेलाइट टू द अर्थ स्टेशन इज कॉल्ड डाउन लिंक इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है वट फंजोन वट इज मीन बाय कम्युनिकेशन तो कम्युनिकेशन इज प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसिविंग इंफॉर्मेशन What is VIP? Voice over Internet Protocols. Name the two types of storage unit: primary unit and secondary unit. Fill in the blank. Control unit and arithmetic logic unit are the part of CPU. CPU two parts are cu and L U. The process of getting information, meaningful output. Sorry, the process of getting meaningful output. फ्रॉम इनपुट data इज कॉल्ड आउटपुटिंग ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा इसका नोट तैयार कर लेंगे और घर पे पढ़ेंगे इसको समझेंगे तब तक के लिए धन्यवाद थैंक्स